गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है हम लोगों का टूर का सेकेंड डे और आज हम जाएंगे मालदा से कोलकाता। आज हमें 380 किलोमीटर्स के आसपास कवर करना है, तो कोई इतना चाप नहीं है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 एंड अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, निकल रहे हैं होटल से। और हाँ, होटल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, होटल एंड रिजॉर्ट गोल्डन पार्क होटल एंड रिजॉर्ट जो कि है आपका मालदा में, एकदम हाईवे के ऊपर ही है ये होटल। मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेट इज द हाईवे, ये हाईवे है सामने और इस हाईवे के ऊपर ही आपको ये होटल दिख जाएगा। एंड उस तरफ हमको जाना है आज कोलकाता के लिए। सो अगर आप लोग इस रूट पे आते हो तो यू कैन कम एंड स्टे हियर, बहुत ही अमेजिंग होटल है। कल आप लोगों को थोड़ा मैंने दिखाया था और शायद मैं मानू के ब्लॉग्स में आपको दिख जाएंगे अगर आपने उनको फॉलो किया हुआ है, तो उन्होंने डिटेल इस होटल का रिव्यू किया है। सो स्टे विथ अस, इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आज यहाँ से मालदा से निकलते हैं अभी एंड कोलकाता लगभग शाम तक पहुँच जाना चाहिए। सो बीच में कहीं रुकेंगे लंच वंच करने के लिए एंड देन कल से जो है हम लोगों का कोलकाता एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हो, एंड जो लोग हमारे चैनल में पहले से ही मौजूद है, आप लोगों ने कल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो फाइनली होटल से निकल चुके हैं एंड यहाँ से कोलकाता अप्रॉक्सीमेटली 9:56 दिखा रहा है, बट दैट टाइम विल इंक्रीज बिकॉज कल तो संडे था तो ट्रैफिक हमको ज़्यादा मिला नहीं, बट आज हमको ट्रैफिक मिलने वाला है एंड 12 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। सो कोई चाप नहीं है, हाईवे नंबर 12 से ही कंटिन्यू कर। आज बहुत जैम लगने वाला है बिकॉज इट्स मंडे, वर्किंग डे है और ये मालदा में ही अभी हम लोग फंसे हुए हैं, बहुत तगड़ा जाम लगा है भाई। ये ब्रिज काफी नैरो है एंड एक पास ही में नया वाला ब्रिज बन रहा है, दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जब वो ब्रिज हो जाएगा तो ये वाला ब्रिज नहीं रहेगा शायद, या लोकल यूज के लिए रह जाएगा, हाईवे उस तरफ से मोड़ दिया जाएगा। सो अभी फरक्का पहुंचने वाले हैं, फरक्का यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने फरक्का क्रॉस कर लिया है, अभी मालदा से कोलकाता वाला जो स्ट्रेच है यहाँ पे आपको बहुत सारे टाउन्स मिलेंगे, जैसे फरक्का हो गया, उसके बाद फिर बहरामपुर, उसके बाद कृष्णागढ़, तो हर जगह पे ना बहुत लाइक टाउन्स के बीच में से हाईवे गुजरता है, तो वहाँ पे भीड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। टुडे बीइंग मंडे तो आपको भीड़ बहुत मिलने वाला है। इस ट्रिप को लेके हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत दिनों से हम लोगों का प्लानिंग चल रहा था एंड कल से जो है हम लोग कोलकाता को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे जगहों को हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, उसके बाद मंदारमणी जाना है, देन दार्जिलिंग, देन सिलीगुड़ी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो कोलकाता यहाँ से 270 किलोमीटर्स है, तो लेकिन गूगल के हिसाब से यहाँ से आपको कोलकाता 8 आवर्स का टाइम दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आगे शायद ट्रैफिक है। जितना आप कोलकाता के करीब पहुंचोगे उतना ही आपको ज़्यादा जाम मिलेगा। एक तो ये हाईवे बहुत ही नैरो है एंड अभी हम जिस इलाके से गुजरे थे बहरामपुर, वहाँ पे बहुत तगड़ा जाम लगा था आज एंड वो हर दिन ही होता है ऐसा, लास्ट टाइम भी हमको जाम मिला था, तो शॉर्टकट के चक्कर में GPS ने कहीं वन वे रास्ते से घुसा दिया एंड इट वॉज़ अ वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस। सो अभी निकल रहे हैं, थोड़ा जाम है आगे ट्रक्स का, देखते हैं, लंच भी करना है। खानपुर पहुँचे हैं अभी एंड एज यूजल कल की तरह अभी लंच के लिए होटल या कुछ भी ढूंढ रहे, ढाबा वगैरह, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। लंच कंप्लीट कर लिया है हमने, एक छोटा सा ढाबा मिला था वहीं पे रोटी तड़का खा लिया एंड देन अभी फिर से निकल पड़े हैं अपनी जर्नी के लिए। यहाँ से कोलकाता 160 किलोमीटर्स दिखा रहा है, सो शाम के 7:30 पहुँच जाना चाहिए। कृष्णानगर से आगे ये वाला पैच जो है हाईवे नंबर 12 का, ये बहुत ही
एक साइड तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इस साइड पे भी पॉटहोल्स इतने सारे कि आप गाड़ी को कहीं भी मोड़ नहीं सकते, तो पॉटहोल्स एस्केप करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से शायद कैलकटा का टाइम जो है डिस्टेंस के हिसाब से ज़्यादा दिखा रहा है, और आई थिंक आगे रास्तों का कंडीशन इतना ठीक नहीं है। कृष्णा नगर पहुँच चुके हैं एंड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़रा जैम लगा हुआ है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं एंड कैलकटा अभी यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है। कृष्णानगर से लेके रानाघाट तक रास्ते बहुत ख़राब है, अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता है, ये भी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन ही है लेकिन एक साइड रेडी हो चुका है, तो काफ़ी ब्रॉड भी है ये रास्ता। एंड वो वाला जो पैच है कृष्णानगर से लेके रानाघाट तक, वो रास्ता इतना ब्रॉड नहीं है एंड प्लस जो टर्मैक है वो टूटा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ड्राइव था वो। मालदा से ये कोलकाता तक का जो स्ट्रेच है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहा है अभी तक, बिकॉज रास्ते जो है बहुत ही ख़राब है कुछ कुछ जगहों पे। एंड एक तो ये वाला जो हाईवे नंबर 12 है ये कंप्लीट 4 लेन अभी तक बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है कहीं कहीं पे, एंड का रास्ता जो है टर्मैक भी बहुत जगहों पे ख़राब है, एंड इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है ये वाला स्ट्रेच। कल हम लोगों ने जो है 714 या 18 किलोमीटर्स कवर किया था, कुछ भी फटीग या ऐसा टायर्डनेस कुछ भी फील नहीं हुआ, बट ये वाला जो स्ट्रेच है 348 या 50 किलोमीटर्स का, ये बहुत ही ज़्यादा टायर्ड या फटीग फील कराता है। तो गाइज फाइनली हम लोग कोलकाता एंटर कर चुके हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 8:25, बट कैलकटा इज़ माई सेकेंड होम, तो जो भी थकान था जो भी फटीग था एवरीथिंग इज गॉन नाउ। सो फाइनली सॉल्ट लेक एंटर कर गए हम, जा रहे हैं अंकल आंटी के घर। ओके गूगल आई नो मच बेटर नाउ। कॉलेज के दिनों में बहुत एंजॉय किया था इन सब जगहों पे। ये मेरा लोकेलिटी था, दिस इज स्विमिंग पूल, ये एरिया स्विमिंग पूल है, वहाँ बीच में फूड कोर्ट है। एंड फाइनली ये घर पहुँच चुके हैं एंड अभी अंदर जाते हैं। खाना पीना खा लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मिले हम लोग। एंड अभी कुछ दिन यहीं पे रहेंगे और यहाँ से ही कोलकाता एक्सप्लोर करेंगे। आज ये ब्लॉग जो है मैं आज एडिट नहीं करूँगा बिकॉज बहुत टायर्ड फील हो रहा है, मैंने आपको बोला था बहुत ही ज़्यादा टायर्ड एंड फटीग फील हो रहा है। सो मैं कल सुबह इस ब्लॉग को अपलोड करूँगा एडिट करके। टिल देन टेक केयर, सो मिलते हैं कल। गुड नाइट।